दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप में हिंदी टू इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इंग्लिश में कुछ लिखें और वह हिंदी में लिखा जाए। जहाँ दोस्तों, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है लैपटॉप में हिंदी टाइप करने के लिए। अब हिंदी टाइपिंग तो हमें आती नहीं, लेकिन ऐसे तरीके हैं जिसमें हम अपना इंग्लिश में कुछ वर्ड लिखेंगे, जैसे करता है, हम लिखेंगे इंग्लिश में लेकिन वो लिखा जाएगा हिंदी में। तो किस तरीके से करते हैं उसका पूरा प्रोसेस मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फरमान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो फरमान में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ लैपटॉप में। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप में इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड हिंदी में कैसे टाइप हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको जो कि पूरी तरह से फ्री है, उसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। उसको डाउनलोड करने के लिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र में आगे हमें सर्च करना है गूगल इनपुट टूल एक्सटेंशन, ठीक है ना, और हमें सर्च कर देना है। ठीक है ना, सर्च करने के बाद जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा वाला है ना गूगल इनपुट टूल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद, ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए मेरा धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखिए, मेरा यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए लिखा हुआ रहा है कि मेरे में पहले से डाउनलोड है। आपके यहाँ पर लिखा आ जाएगा ऐड एक्सटेंशन, आपको ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है, आपका वो एक्सटेंशन इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने गूगल डॉक में चले जाता हूँ। गूगल डॉक में आने के बाद मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र में, तो सारे एक्सटेंशन हमें ऊपर दिखते हैं। ये देखिए, गूगल इनपुट का एक्सटेंशन यहाँ दिख रहा है, इस पर इस टाइम ये ऑन है। ठीक है ना, ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ये देखिए, ऑफ़ हो जाएगा यहाँ पर। इसे ऑन करने के लिए एक दफ़ा क्लिक करें और इस पर ऑन हो गया। ठीक, अब हम जैसे भी इंग्लिश में टाइप करेंगे, जैसे मैं अपने चैनल का नाम टाइप करता हूँ टेक नो, देखिए इंग्लिश में लिखा है, नीचे हिंदी में आ जाएगा। स्पेस दूंगा तो टेक्नो। अब मैं लिखता हूँ फरमान, स्पेस का बटन दबाऊंगा, ये फरमान लिखा जाएगा। तो आप बस इंग्लिश में टाइप कर दे जाएँ और ये हिंदी में टाइप होता है, स्पेस दबाएंगे हिंदी में हो जाएगा। जैसे अब मैं जैसे लिखता हूँ, जैसे करना है, इस तरीके से हमारी जो है ना टाइपिंग हिंदी में होती जाएगी। तो दोस्तों, ये था तरीका लैपटॉप में इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग करने का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।